लोकसभा गृहीत हल बहुचर्चित महिला आसन संरक्षण विधेयक 452 भोटत गृहीत है नारी शक्ति बंदन अधिनियम विधेयक विधेयक सपक्ष 454 भोट पड़ार विपरीते विधेयक विपक्षे पड़े मात्र दूटा भोट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित लोकसभा अनुषित है यह भोट मुठ 456 सांसदे विधेयक ऊपर दिए निजर मतामत राज्यसभा आज उत्थापन हम बहुचर्चित यह विधेयक इपिने बहुचर्चित विधेयक भोटर पूर्वे आलोचनार समय जुजुद्धान रूप देखा हल शासक विरोधी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीजेपी सरकारक तीव्र समालोचना कर पिछते उदात्त भाषण प्रत्युत्तर दिले केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ओबीसी महिला संरक्षण अबिहने यह विधेयक आधरवा आख्या दिले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इपिने महिला संरक्षण विधेयक गृहीत हम नतून जुगर आरम्भि हम मंत्य कर गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा उत्थापन हम विधेयक शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन इस प्रकार है हां 452 452 ना 2 प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ यथा संशोधित खंड 5 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री महोदय खंड 6 में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करेंगे। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। नहीं नहीं अध्यक्ष महोदय मैं आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न ये कि संशोधन संख्या 3 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 3 स्वीकृत हुआ। श्री बेनी बैनन क्या आप संशोधन संख्या 36 प्रस्तुत करेंगे? लाभियां पहले से खा लिए, अब मैं यथा संशोधित खंड 6 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि यथा संशोधित खंड 6 विधेयक अंग बने, अब मत विभाजन। I stand in support of the Women's Reservation Bill. We also gave the vote to every single community. And the vote was a mechanism of transfer of power.